विदर्भ सम्राट बातमीचा तणका. विदर्भ सम्राटच्या बातमीनंतर खासदार सुनील मेंढे यांनी घेतली रेल्वे डीआरएमची क्लास. विदर्भ सम्राटच्या बातमीची खासदार सुनील मेंढे यांनी घेतली दखल. डीआरएमला कळली आपली चूक, आता मालगाडी कारण प्रवासी रेल्वे थांबणार नाही. विदर्भ सम्राटने घेतली खासदार सुनील मेंढे यांची खास मुलाखत. नक्की बघा संपूर्ण बातमी. यदि आपको गुड्स ट्रेन है और पैसेंजर ट्रेन है तो प्रायोरिटी किसको दी जाना चाहिए बताइए मुझे खाली. मैं बार बार, मेरा बहुत सिंपल सवाल है ये, मेरा कोई बहुत बड़ा सवाल नहीं है, मैं बहुत कोई टेक्नोलॉजी बात नहीं कर रहा हूँ. मुझे समझ में आता है कि जिसमें मेरे 1000 पैसेंजर बैठे हैं ट्रेन में, उसमें कहीं डायबिटिक्स होंगे, कोई पेशेंट होंगे, कहीं किसी को अर्जेंट जाना होगा, किसी का कुछ और रुका होगा, किसी का ऑपरेशन हो रहा होगा, जो भी होगा, वो सब हजारों लोग वहाँ बैठे हुए हैं और उनके सामने से लेकिन साहब मुझे बताइए 10-12 दिन से गुड्स ट्रेन क्यों छोड़ी जा रही थी पहले पैसेंजर ट्रेन से पहले, ये कौन सा अन्याय है? सब जनता का मुझे बार बार फोन आ रहा था, काफ़ी लोग कार्यकर्ता हमारे नेतागण और खासकर गोंदिया के सभी जो लोग हैं आम आदमी भी मुझे बार बार फोन करके काफ़ी तक कंप्लेंट्स कर रहे थे. खासकर जो दोनों तरफ से ट्रेन आती है, पैसेंजर ट्रेन आती है, उन्हें काफ़ी देर तक 4-4 घंटा, 3-3 घंटा, 6-6 घंटा ड्यूरेशन के बाहर रोका जाता है और पहले गुड्स ट्रेन छूटी जाती है उसके बाद हमारी पैसेंजर छूटती है, ऐसी शिकायत काफ़ी 15-20 दिन से आ रही थी. इसलिए जब कल एक विषय हुआ, कल हादसा हुआ, कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा उद्रेक बढ़ा और कुछ लोगों ने पथराव भी किया रेलवे स्टेशन के रेलवे पे, तो वो सब चीज़ें मुझे ध्यान में आई. इसलिए मैं अर्जेंट आज यहाँ जब आया तो लोगों से मिला कि क्या शिकायत है. ऑलरेडी मैंने इस बारे में डीआरएम से बात की थी, यहाँ के लोगों से भी बात की थी, स्टेशन मास्टर से बात की थी, तो मुझे बताया गया था कि इसके बाद नहीं होगा, मगर उसके बावजूद रुका नहीं गया. इसलिए मैं अभी सब लोगों से एग्जैक्ट क्या हो रहा है इसकी बात करने आया. अभी डीआरएम साहब से बात हुई और उन्होंने माना कि हमारे से गलती हुई है, कल से या आज से ही काफ़ी कुछ हम लोग ठीक किया है. इसके बाद कोई पैसेंजर ट्रेन गुड्स ट्रेन के लिए सेम लाइन से या सेम डायरेक्शन से रुकी नहीं जाएगी, ये उन्होंने अभी आश्वस्त किया है और कल से सब ठीक ठाक होगा. उसके बावजूद छोटे मोटे कुछ बातें थी, जो एस्केलेटर रेगुलर नहीं चल रहा है या मेंटेनेंस में रह रहा है, एक FOB हमारा मेंटेनेंस में आ गया है, वो बातें भी डिस्कशन हुआ उस पर, सभी एक जिसको बोल सकते हैं हम लोग की एक पॉजिटिव डिस्कशन हुआ है. और मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में खासकर भंडारा गोंदिया के जो लोग पैसेंजर आपस में यहाँ से जाते आते हैं उनकी शिकायत का मौका कम मिलेगा, ऐसा कोशिश रेलवे प्रशासन से होगा ऐसा मैं सोचता हूँ, ऐसा मुझे आश्वस्त किया गया है. और आने वाले कल से कम ये सब चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाएगी. इसके लिए त्राई त्राई मछली जनता में, ये कब बनेगी, कब चालू होगी, जब तक कोई वैकल्पिक व्यवस्था करवाई है यहाँ पे जनता को कितना घूम के आना पड़ता है. बहुत सही आप कह रहे हैं. इसके लिए स्पेशली मैंने कमिश्नर मैडम के पास, जिसमें रेलवे के भी लोग थे, PWD के लोग थे और नेशनल हाईवे के लोग भी थे, एक सविस्तर मैंने एक मीटिंग ली थी 5-6 दिन पहले या 8 दिन पहले. तीनों जो हमारे ओवरब्रिज बनना है, रेलवे ओवरब्रिज बनना है, इसमें काफ़ी डिस्कशन हुआ, 3 घंटे का डिस्कशन हुआ. उसमें जो जो गलतियाँ थी या जो जो कोऑर्डिनेशन का अभाव था, उसमें यहाँ के कलेक्टर खुद उपस्थित थे, तीनों एग्जीक्यूटिव इंजीनियर उपस्थित थे, CO उपस्थित थे, सभी लोगों के सामने एक ओपन डिस्कशन हुआ और उसमें काफ़ी कुछ सॉल्यूशन भी निकले गए. अब अपन आप आशा कर सकते हैं कि आने वाले जल्दी ही काफ़ी कुछ उसमें सॉल्यूशन निकलेगा और एक जल्द से जल्द एक रेलवे जो ब्रिज बनने हैं, ओवर ब्रिज बनने हैं, उसे शुभारंभ होकर 1.5-2 साल के अंदर शुभारंभ